और कल यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात यूपी को मिलेगी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई सारी खासियतें हैं। पूरी तरह से एयरपोर्ट डिजिटल होगा, कनेक्टिविटी के मामले में देश का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होगा और 2050 तक का खाका तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे, तैयारियों की समीक्षा की, जायजा लिया, और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी मीडिया से जानकारी साझा की और बताया कि तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी की है, बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कुल 30 जिलों पर इसका असर देखा जाएगा, विकास कार्यों को गति मिलेगी और साथ ही रोजगार के लाखों अवसर भी यहां पर सृजित किए जा सकेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। फिल्म सिटी से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक ये परियोजना बना है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और इसके अगल बगल यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा तक, मथुरा और यहाँ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके, और इसमें बहुत सारे संभावनाएं भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां भी निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। सब मिला के ये एरिया आपका बहुत ज्यादा विकसित भी होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु शर्मा लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, कितनी बड़ी ये सौगात पश्चिम के लिहाज से, 30 सीटों के विकास के लिहाज से, और साथ साथ जो 110 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम के हैं वहां पर इसका असर कितना देखा जाएगा? और देखिए, बिल्कुल पश्चिम के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक लंबे अरसे से जिसकी मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा था, कल वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के जेवर में पहुंचेंगे और भूमि पूजन कर उसका शिला रखेंगे। दरअसल जेवर एयरपोर्ट की जो मांग थी एक दशक से चली आ रही थी, लेकिन फाइनली कल का वो दिन निर्धारित किया गया है जब पीएम यहां पहुंचेंगे। और ये सभा स्थल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 1,00,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कल का तय कार्यक्रम है उसकी अगर बात कर लें तो 12 बजे मंच पर, बिल्कुल हिमांशु, और जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें हैं किस तरह से भव्य इसको बनाने की कोशिश की गई है। चारों तरफ एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो संबोधित करें उनको सुन सकें, उनको देख सकें। बड़ी बड़ी स्क्रीनें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगाई गई हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूरा खाका देख चुके हैं, पूरा जायजा ले चुके हैं व्यवस्थाओं का, किस तरह से व्यवस्थाएं रहनी है। उनको एक पीडीएफ के द्वारा पूरा डेमो भी दिखाया गया था किस तरह से कार्यक्रम पूरा रहने वाला है। और तमाम जो लोकल लोग हैं जेवर के, वो लगातार यहां पर सेल्फी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सेल्फी पॉइंट भी ये फिलहाल बना हुआ है क्योंकि बड़ी सौगात माना जा रहा है। 34 से 35 हजार करोड़ अनुमानित लागत इसकी बताई जा रही है और फर्स्ट फेज के अंदर 10 हजार करोड़ जारी किए जाएंगे, जिसको 2024 तक पूरा भी करना है। तो अपने आप में चुनाव के लिहाज से कितनी बड़ी सौगात है, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद से माना जा रहा था कि बीजेपी के मुफीद एक माहौल बनेगा, और उसके बाद जब हजारों करोड़ों की ये एक सौगात पश्चिम को मिलने वाली है, उस लिहाज से 110 सीटों पर लगभग इसका प्रभाव बताया जा रहा है। कितना असर, कितनी अहमियत, कितने मायने? देखिए, पहले कुशीनगर एयरपोर्ट की सौगात दी गई थी और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात मिली। बुंदेलखंड के अंदर भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी थी और वो दिन आ गया है कल, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज से बड़ा दिन रहने वाला है। और इस सौगात का सीधा असर जो यहाँ के लोकल ग्रामीण है और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो 1,00,000 रोजगार भी यहाँ से पैदा होंगे चुनाव से पहले, क्योंकि आचार संहिता दिसंबर में कभी भी लग सकती है और उससे ये सौगात दी जा रही है। इसका सीधा असर जो 5 राज्यों में आगामी 2022 के अंदर चुनाव उस पर देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि बड़ी सौगात देखी जा रही है। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा था और अभी भी चल रहा है, जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी सौगात मानी जा रही से, वहीं इस सौगात को लेकर सियासत भी दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव का नाम लेकर निशाना साधा है। दरअसल लोकार्पण को लेकर जो दावे अखिलेश यादव की तरफ से लगातार किए जाते रहे तमाम लोकार्पणों को लेकर, उसी को लेकर यह बड़ा निशाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा और उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अखिलेश जी, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे, हार्दिक बधाई।
पर निशाना साधा है स्वतंत्र देव सिंह। इसके पहले भी बीजेपी सरकार के कई चेहरों ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।